देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं और स्वयं चीफ मिनिस्टर हैं, ये लोग कभी कभी प्रकट हो रहे हैं और आकर के ऐसा बयान देते हैं जिसमें खुद घिर जाते हैं। एनडीआरएफ का काम रेस्क्यू ऑपरेशन है, फंसे हुए लोगों को निकालना है। आपके जल बोर्ड का ड्रेनेज ठीक करना नहीं है, ये काम तो अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी सरकार का है, लेकिन वो कभी किया नहीं। हम पिछले करीब 45 घंटे से हम लोग लगातार वहीं खड़े हैं, उसी में लगे हुए, लोगों को निकालने से लेके, लोगों को समझाने से लेके, जो किनारे निकल गए उनको खाना देने से लेके, उनको पंखा तक भी हम लोगों को जरूरत पड़ी तो दे रहे हैं। अभी रात भी मैं 2:30 बजे वहां से निकल के आया हूं। अब कितना आश्चर्य की बात है कि आप एनडीआरएफ से अपनी जल बोर्ड की ड्रेनेज को ठीक कराना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और इनकी अज्ञानता पे आज दिल्ली त्राही त्राही माम हो रही है। और दूसरी बात आप समझिए कि जिस प्रकार से आज बाढ़ का ये कहर देखने के मिला है, आज इसके अंदर जाइए तो क्या निकलता है? क्या जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, यमुना जी की ड्रेजिंग हुई, डिसिल्टिंग हुई? अगर ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग होती तो आज ये कहर देखने को नहीं मिलता। अभी तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले लोगों को बचाना है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है इन लोगों की बेवकूफियों के बाद कि आपको बताऊं, पीछे 2019 में 8.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, लेकिन बाढ़ नहीं आया। उसके पहले भी 3 साल पहले 6.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, बाढ़ नहीं आया। और ये 19 से 23 के बीच में मात्र 3.5 लाख क्यूसिक पानी में बाढ़ आ गया, सिविल लाइन्स पे पानी घुस गया, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, कई जगह पानी ऐसा हमारे वजीरा गांव, गोपालपुर गांव के पास भी घुस रहा है, जगह जगह से टूट रहा है। ये तो अरविंद केजरीवाल जी, आप पूरी तरह से, आपकी व्यवस्था फेल हो चुकी है और आप ऐसा कर रहे हैं कि इस पे सवाल उठा करके फिर अपने राजमहल में छुप जाते हैं। मेरे हिसाब से ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि अभी मुझे एक डॉक्यूमेंट पता चला है जिसमें ये डिसिल्टिंग के लिए पैसा लिए है, लेकिन डिसिल्टिंग नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी करप्शन की बात दिख रही है, जिसमें पैसा निकाला गया, काम नहीं हुआ और बाढ़ का कहर दिल्ली देख रही है। बिहार में जो अभी भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे लोगों पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, बर्बरता के साथ सांसद चिल्ला रहे हैं, कोई कार्यकर्ताओं को ऐसे पीट रहे हैं कि जैसे किसी अपराधी को पकड़ लिया हो और एक की तो मृत्यु हो गई है, जैसा हम समाचारों में और सारे न्यूज आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पे एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी हूं और हम लोग सवेरे पहुंच रहे हैं। हम ग्राउंड पर जब तक सारे तथ्यों को जुटा न लें, इस पे और हम डिटेल सभी बात करना ठीक नहीं।